बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ ग्रीन चिलीज की पेस्ट और गार्लिक एंड जिंजर की पेस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इनकी पेस्ट बनाकर रखने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हमारे घर में फ्रेश गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिलीज नहीं भी होती तब भी हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि मैं गार्लिक जिंजर और चिलीज की पेस्ट को कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं, आधा पाव के करीब हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके सारा पानी इसका ड्रेन कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है जिंजर और गार्लिक, ये दोनों मिलाकर मेरे पास एक पाव है। जितना अदरक लिया है उतना ही मैंने गार्लिक लिया है। ऑयल हमें चाहिए होगा और सॉल्ट हमें चाहिए होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक पैन चाहिए और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। 1/4 कप यहाँ मेरे पास सॉल्ट का है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। उतनी देर तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जितनी देर तक ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेता, हल्का सा येलोइश कलर में नहीं आ जाता। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ, वो ये है कि अगर हम कच्चा सॉल्ट यानी कि रॉ सॉल्ट जो है उसको अपने गार्लिक जिंजर और चिली पेस्ट के अंदर डालते हैं तो बहुत जल्द गार्लिक और जिंजर पेस्ट के अंदर पानी सा आ जाता है, ग्रीन ग्रीन सा लगने लग जाता है, फिर हम ज़्यादा दिनों तक इसको रख नहीं सकते। अगर हम इसको ऐसे ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो फिर हम कितने हफ्तों तक इसको सेव कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट करने से चिली पेस्ट की और गार्लिक जिंजर पेस्ट की एज जो है वो बढ़ जाती है, फिर हम ज़्यादा दिनों तक इसको सेव कर सकते हैं। सॉल्ट जो है हमारा वो ड्राई रोस्ट हो गया है, हल्का सा इसने कलर भी अपना चेंज कर दिया है, कैमरा इसकी जस्टिस नहीं कर सकता। तकरीबन मैंने 5 मिनट तक के लिए इसको ड्राई रोस्ट किया था। आप भी टाइम के हिसाब से जैसे लो से मीडियम हीट पर 5 मिनट तक के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना। अब हम गार्लिक को भी इस तरह पील ऑफ कर लेते हैं। हल्का सा ऊपर से इसको लेकर कट लगाएंगे, फिर ऐसे इजीली फिर पील ऑफ हम कर लेते हैं। इसी तरह हम तमाम अपने गार्लिक को इसी तरह पील ऑफ कर लेते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास जिंजर है इसको भी हमने ऐसे कर लेना। नाइफ के साथ इस तरह इसकी स्किन को रगड़ लेंगे, ऐसे ऐसे स्किन को रगड़ रगड़ कर हम जिंजर की भी ऐसे स्किन उतार लेंगे। यहाँ पर हमने ब्लेंडर ले लिया है और ये जो मैंने गार्लिक और जिंजर को अच्छे तरीके से इनके छिलके उतार लिए थे, वॉश करके इनका पानी को अच्छे तरीके से खुशक कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई पानी नहीं है। जिंजर को भी ऐसे ही मैंने कर लिया था वॉश। सेम क्वांटिटी दोनों की है, जितनी गार्लिक उतना ही जिंजर। तो अब हम इसको ऐसे डाल लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। हमने पानी को बिल्कुल ऐड नहीं किया इस पॉइंट पर। अब हम ऑयल को ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें तकरीबन मैं आधा कप के करीब ऑयल को ऐड करूँगी। ब्लेंडर को हम फिर से ऑन कर लेते हैं। खोल के देखते हैं। स्पून के साथ हम अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे ऐसे और फिर से एक दफ़ा ब्लेंडर को ऑन कर लेंगे।
यहाँ पर हमने जो ड्राई रोस्ट सॉल्ट करके रखा था उसमें से एक टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं। लिड को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे। अब हमारा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने वाटरी सा नहीं बनाना, वाटर बिल्कुल नहीं हमने देखें ऐड किया, ऑयल को ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने एक टब लिया है, आप चाहें तो जार ले सकते हैं। हमने पेस्ट बनाई थी गार्लिक और जिंजर की, इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ इसको वॉश करके ड्राई कर लिया था। बिस्मिल्लाह। इस तरह मैंने तमाम गार्लिक और जिंजर की पेस्ट को एक टब में निकाली है। अब इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल, ऑयल की आपने फिक्र नहीं करनी है कि हम ज़्यादा ऑयल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितना हम ऑयल डालेंगे उतने ही ज़्यादा देर तक के लिए हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं सेव करके। वही जब हम खाना बनाएंगे तो उसमें हम ऑयल को कम डाल लेंगे। अब इस तरह मैंने इसको लिड के साथ इस तरह बंद कर दिया और ऐसे लॉक कर लिया। अब ये रेडी हो गया है फ्रिज के अंदर रखने के लिए। अब मैं आपको इसी तरह ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। अब हम इसी तरह ये जो हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं इनको भी पेस्ट बना लेते हैं। ब्लेंडर को ऑन कर लेते हैं। अब चिली पेस्ट के अंदर भी इसी तरह हम ऑयल को ऐड करेंगे। ब्लेंडर को ऑन कर लेते हैं। एक टीस्पून जो सॉल्ट है उसको ऐड कर रहे हैं। फिर से लिड दे देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको भी इसी तरह हम एक टब के अंदर निकाल कर ऐसे रख लेंगे। अब माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा ग्रीन चिली का पेस्ट और गार्लिक जिंजर पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अगर आप मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी इसी तरह बनके तैयार होगा और आप भी इसको मेरी तरह एक महीने तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और आप इसको डेली रूटीन में यूज़ भी कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि हमने कच्चा सॉल्ट, रॉ सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना, हमने उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ये जो यहाँ पर मेरे पास ड्राई रोस्ट सॉल्ट बच गया था इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, छोटी सी किसी जार में डालकर रख लूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं पेस्ट बनाऊँगी तो फिर मुझे ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। बकरा ईद के दिन आने वाले हैं तो आप इसी तरह बनाकर गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट को बनाकर रख सकते हैं। ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।